यस, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैथ में, जिसका नाम है वृत्त सर्किल। इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन वाला चल चुके हैं, आज वृत्त में चलते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वृत्त के बारे में सभी स्टूडेंट्स पहले भी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ चुके हैं, फिलहाल हमको उससे नहीं लेना देना है। मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनको आता है उनके लिए टू गुड है, उनके लिए एक डायरेक्शन होगा, बाकी जो नहीं आता है उनके लिए स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है, वृत्त की डेफिनेशन जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, वृत्त किसी समतल में ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से स्थित दूरी पर होता है। मतलब वृत्त जब भी बनाया जाता है, जैसे हम लोग अगर हाथ से बनाए तो एक समतल है, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पर अगर हमको सर्कल बनाना है तो बस कर लीजिए, ये हमारी पेंसिल है और ये हमारा पॉइंट है, तो इसको हम स्थिर करके एक ऐसे सर्कल बनाते हैं। तो ये क्या होता है, एक स्थिर किसी समतल पर एक स्थिर बिंदु, हमारा ये एक बिंदु हो जाता है, और बिंदु के इर्द गिर्द जो सर्किल बनता है उसको लेकर के जब बनाते हैं तो हमारा एक सर्किल तैयार हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। वही लिखा हुआ है कि वृत्त किसी समतल में ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है जो उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होता है। अब जो नियत बिंदु होता है, जिस पर हम जिसके चारों तरफ सर्किल बनाते हैं, उस नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं, उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो दी गई दूरी होती है, जो अभी हम बता रहे थे कि जिस नाम पे आप चाप लेते हैं, जिसे भाषा में लोग चाप कहते हैं, जिस दूरी को लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, उसकी त्रिज्या कहलाता है। क्लियर। तो कोई भी सर्किल दिया होता है उसमें केंद्र और त्रिज्या दोनों होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बना लेते हैं इसको, एक सर्किल बना लेते हैं, इसका ये केंद्र बिंदु हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का केंद्र बिंदु है, इसको ले लेते हैं 0,0, और जो बिंदु है हमारा x, y, अगर ये लेके चलते हैं और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं a, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, a। तो इस पर जब हम चलते हैं तो हमारा वृत्त का समीकरण जो बनता है, त्रिज्या a मूल बिंदु 0,0 से px, y, जो कि ये बिंदु आपका है, की दूरी, तो फार्मूला होता है x² + y² = a². क्लियर। इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करने के लिए इस फार्मूले से ही डिराइव हो जाता है। जैसे नीचे दिया हुआ है वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात हो, x - h² + y - k² = a². यहाँ पर देख लें, जहाँ यह चौके है वहां पर हमारे पास क्या है, 0,0। अगर हम यहाँ पे एच की जगह 0 और के की जगह 0 है, अगर हम इस वैल्यू को इस पे पुट करते हैं तो x - 0² + y - 0² = a². तो x - 0 x हो जाएगा, तो हो जाता है x² + y² = a². तो ये दोनों फार्मूले चलते हैं। अगर हमको मूल बिंदु 0,0 दिया है, या कह देता है क्वेश्चन में कि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु हमेशा 0 होता है, तो हमको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप हमारा बच जाता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे x² + y² = a². और अगर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है x, k, तो h की जगह कोई वैल्यू दिया होगा, k की जगह दिया होगा, तो हम उस फार्मूले से चलेंगे x - h² + y - k² = a². ये दोनों फार्मूले वृत्त के समीकरण के हैं। उसके बाद एक फार्मूला बनता है हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट से कभी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा कि नहीं आप डिराइव करके इस फार्मूले को लाइए, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे फार्मूले पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमको फार्मूला होना चाहिए, वही हमको याद होना चाहिए। तो जब उस फार्मूले पे आएंगे तो वृत्त का व्यापक समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है। क्लियर। अभी किसी भी वृत्त का व्यापक समीकरण है या वृत्त का समीकरण, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस का फॉलो करते हैं। एक कंडीशन ये होती है किसी भी वृत्त के व्यापक समीकरण की, कि उसमें x तथा y क्या कंडीशन होती है, पहला पॉइंट कि x तथा y दोनों के गुणांक समान होने चाहिए, ठीक, कि x तथा y दोनों के गुणांक सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि x y का गुणांक का मतलब
जहां x s के साथ मल्टीप्लाई, अभी कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं, यहां पे y के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं। अगर हमको कोई भी चीज करना है, सपोज करते हैं हम a ले लेते हैं, तो हमारा जो समीकरण इस हिसाब से बन जाएगा, फॉर एग्जांपल तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस टू ए जी एक्स प्लस टू ए एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो मतलब कोई भी चीज है उसका वृत्त का व्यापक समीकरण है। अगर कोई भी पहला कंडीशन हमारा होना चाहिए किसी भी वृत्त के व्यापक समीकरण में, कि पहली बात तो एक्स और वाई के जो गुणांक होने चाहिए वो दोनों सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या आता है कि एक्स और वाई दोनों दो घाती होना चाहिए। कोई भी ऐसा पद ना हो कि जिसमें एक्स एक घात का है, वाई दो घात का। जैसे देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई, मतलब जो भी हो दो घाती समीकरण है एक्स का और वाई का भी। तीसरा कंडीशन जो हमारा होता है किसी भी वृत्त के समीकरण के होने के लिए जरूरी है कि पूरे वृत्त के समीकरण में अगर कोई भी हमारा समीकरण दिया है वो हमारा वृत्त का समीकरण है, ये फॉलो तब करेगा जब कहीं पे भी x और y एक साथ मल्टीप्लाई में ना हो। इट मींस कि कोई भी पर x y का ना, मींस अब जैसे इस इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे कहीं पे भी टू जी एक्स वाई नहीं है, टू एफ एक्स वाई नहीं है, मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो ये कंडीशन है कि हम कोई भी समीकरण दिया तो उसको पहचानते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद अब आगे देखते हैं तो द्विघात समीकरण से वृत्त त्रिज्या गेंद ज्ञात करने की विधि। जैसे कुछ क्वेश्चन होगा तो उसमें हमारा आगे आता जाएगा, तो उसमें बोलता है कि कोई भी वृत्त का समीकरण दिया होगा तो हमसे कहेगा केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए फार्मूले होते हैं, केंद्र इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है माइनस वन बाई टू एक्स का गुणांक कॉमा माइनस वन बाई टू वाई का गुणांक। इस तरीके से करें या चाहे डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्या फार्मूला होगा? केंद्र इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ। उसी तरीके से त्रिज्या निकालने चलेंगे तो फार्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग चले तो रूट एक ब्रैकेट में वन बाई टू एक्स का गुणांक होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई टू वाई का गुणांक का होल स्क्वायर माइनस अचर राशि, मतलब सी। उस अकॉर्डिंग चले डायरेक्ट उसको भी याद करेंगे, इसके कंपेयर में ये ज्यादा आसान होता है, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अचर राशि है सी स्क्वायर। सी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया वृत्त बिंदु वृत्त होगा यदि, कोई भी बिंदु वृत्त होगा, ये कब क्लियर होगा? जब हमारा क्या हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दोनों की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो त्रिज्या होगी ए की वैल्यू क्या होगी? जीरो। उसी तरीके से कोई भी दिया गया वृत्त हमारा वास्तविक होगा, इसके लिए कंडीशन होती है, पूछेगा भी कि क्वेश्चन में होता है कि क्या दिया गया वृत्त हमारा वास्तविक है कि काल्पनिक है या कैसा होगा, तो उस कंडीशन में चेक करेंगे। यदि हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बढ़ के आती है, जीरो से बढ़ के मतलब कुछ भी हो लेकिन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। त्रिज्या वास्तविक होगा, रियल नंबर होगा। काल्पनिक कब होगा? जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, इट मीन्स इसकी वैल्यू जीरो से कम, इट कहाँ जाना चाहिए? माइनस में जाना चाहिए, और त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। क्लियर? तो तीन केस हो गए। पहला हमारा वृत्त का समीकरण जब मूल बिंदु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जब हमारे पास वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिया तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर हमने बताया आपको कि वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसकी कंडीशन बताया अभी हमने कि कैसे वृत्त का समीकरण होगा। उसके बाद क्वेश्चन वाइज पूछ सकता है केंद्र और त्रिज्या, उसका फॉर्मूला माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये कंडीशंस होती हैं कि ये वृत्त हमारा कब वृत्त होगा, कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा। तो ये तीनों हमारी जो होंगी चीज क्या हो जाएंगी? कंडीशंस हो जाएंगी। क्लियर? क्योंकि हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसमें हर एक टॉपिक से जुड़े फार्मूले बहुत हैं, लेकिन हर एक फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, और उनको हम अगर पर्टिकुलर याद करके चलेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले हमको फार्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए।
चलते हैं और भाग लेते हैं, ठीक। अब उसके आगे चलते हैं, तो जैसे हमारा था कि अभी तक हम लोग चल रहे थे जब वृत्त का समीकरण ज्ञात कर रहे थे जब हमारे पास केंद्र और त्रिज्या थी। लेकिन यदि कभी कभी हो सकता है हमको व्यास भी दिया हो, जो कि आप लोग जानते हैं व्यास हमारा जो होता है क्या होता है, b इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू d बाई 2। तो व्यास के सिरों का निर्देशांक के पदों में यदि हमारे पास व्यास है तब क्या करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला तब वृत्त के समीकरण के लिए होगा जब हमारे पास व्यास के सिरे दिए होंगे, तब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि व्यास के सिरे इतने। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जब आएगा तो आप हम जनरली पर रिपीट करेंगे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जैसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो ये अगर हमारे पास याद होगा टेबल तो हमको बड़ी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छे से लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। जितना ही अच्छे से आप याद किए होंगे उतना ही अच्छे से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। कंडीशन क्या होगी, जब न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें एक पॉइंट अगर मिलता है हमको, उसमें दिया होगा कि वृत्त का केंद्र यक्ष अक्ष पर हो, यदि क्वेश्चन दिया है उसमें कंडीशन देता है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए लेकिन जो वृत्त का केंद्र है वो एक्स अक्ष पर स्थित हो या एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर ऐसा कोई कंडीशन देता है तो इसमें से हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा, हम आप क्या करते हैं k इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k की जगह 0 है इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पर हो, क्वेश्चन में ये कंडीशन है, तो तुरंत हमारा एच इज इक्वल टू 0 क्योंकि वाई अक्ष पर चल रहा है, तो एच को हम आके एच को 0 कर देंगे, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब मूल बिंदु पर हो, ना तो x अक्ष पर हो ना तो y अक्ष पर हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि h और x और y वाले 0 हो जाते हैं मान, तो h को माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स फॉर्मूला हो जाता है हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जरूर ध्यान रखिएगा जब मूल बिंदु पर स्थित हो, बहुत क्वेश्चन में आता है जब मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो तथा केंद्र x अक्ष पर स्थित हो। नेक्स्ट कंडीशन, बार बार मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो और केंद्र x अक्ष पर स्थित हो, केंद्र x अक्ष पर स्थित हो और मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, कंबाइन कर रहा है, तो उस कंडीशन में जब चलेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। जब मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो और दूसरे पॉइंट पे आएगा कि केंद्र हमारा कहाँ हो, y अक्ष पर स्थित हो, तो चेंज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता हो, अभी तक स्थित होने की बात थी, अब x अक्ष को स्पर्श करता हो वो समीकरण बन रहा है, तो k इज इक्वल टू ए लिखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसी तरीके से जब y अक्ष को स्पर्श करेगा तो h इक्वल टू ए लेंगे, तो जहां h है x माइनस a का होल स्क्वायर और k जीरो हो जाता है, k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x अक्ष तथा y अक्ष को स्पर्श करता हो, जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा हो, जब दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा होगा तो h इक्वल टू k इक्वल टू a, दोनों वैल्यू सेम होगी और फार्मूला हो जाएगा हमारा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये सारे कंडीशंस हैं जिनको कि हमको याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, बाकी जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इन फार्मूलों को हम इंप्लीमेंट करेंगे और जैसे जैसे इंप्लीमेंट करेंगे बार बार लिखते जाएंगे, जो कि हमारी हैबिट है और हम सब स्टूडेंट से कोशिश करते हैं कि उनकी भी हैबिट होनी चाहिए कि जितनी बार न्यूमेरिकल में कोई पॉइंट आए उसके फॉर्मूले को आप जरूर साइड में लिखें, इससे लग्न होने की दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जैसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जरूर सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्ट्रीम के हों, वो इस समय जबकि हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं या कुछ है, जो भी बुक्स आपके पास हैं और उनके पेपर पैटर्न को देखते हुए जिसमें हमारे एक नंबर और दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उनको बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस जरूर सबसे पहले तैयार करें, खासकर अगर किसी सब्जेक्ट के पेपर बैक है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि ये मैथ में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल होता है इसका, क्योंकि एक और दो नंबर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और अगर सही है तो 100% श्योर होता है नो मार्किंग, ठीक। तो चलते हैं, जैसे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जब केंद्र 2, 3 तथा त्रिज्या 5 है, तो अब हमसे कह रहे हैं वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे, फार्मूला हमने बताया था क्या है फार्मूला हमारा, जब अगर मूल बिंदु की बात कहता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन बात यहाँ केंद्र की कह रहा है, केंद्र हमें क्या दिया है 2, 3 और केंद्र हमने फार्मूले में क्या लिया था एच कॉमा के, तो जब भी बात करेगा केंद्र की तो केंद्र
लिखेंगे एच कॉमा के, और एच कॉमा के इक्वल टू आपको क्या दिया है 2,3। अगर हम दोनों तरफ तुलना करें तो एच बराबर हमारा कितना हो गया 2 और के इज इक्वल टू कितना हो गया 3। क्लियर। और त्रिज्या हम लोग फार्मूले में ए लेके चल रहे हैं तो ए बराबर हमको क्या दे रहा है 5। अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कुछ लोगों को जैसे रेडियस रटा होता है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो अगर आपको ऐसा रटा है तो आप स्मॉल आर यूज कर सकते हो, फार्मूला में वही यूज करिएगा। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, फार्मूला एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिंपल सा। अब इसमें क्या करेंगे हम, h की जगह 2 और k की जगह पे 3 और एक जगह क्या पुट कर देंगे 5। सो सिंपल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर बिकॉज a इज इक्वल टू 5। आगे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 2 2 4x। आई होप कि आप इतना ओपन कर लेंगे। प्लस इसी तरीके से y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 3 6 y इज इक्वल टू 25। सीरियल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और 9 + 4 = 13 इज इक्वल टू 25। अब जो 13 है कॉन्स्टेंट है उसको इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 25। और ये 13 इधर प्लस में इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा माइनस में होगा, 25 माइनस 13 करेंगे तो ये तो हमारा जो वृत्त का समीकरण आ जाता है एक तरीके से देखिए तो व्यापक समीकरण के फॉर्म में है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। अच्छा इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमको सॉल्व करते समय भी विशेष ध्यान क्या देना है ये जरूर ध्यान रखें, कई लोगों से मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं कि ये छोटी चीजें हम ध्यान ना दें। जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टेप जरूर काउंट करें इनमें, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो 3 आना चाहिए था तो 1 2 3 आया, फिर y वाले में आ गया ये, अब इसके आगे जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस कभी कभी, स्पीड हमारी इतनी तेज होती है कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हम फटाफट करते चले जाते हैं और केयर नहीं करते हैं, तो ये जरूर देखें कि जब हम उसको सीरियल ऑर्डर में लगा रहे हैं तो कोई स्टेप हमारा छूटे नहीं, तो लिखने के बाद जरूर काउंट करें 1 2 3 4 5 5, क्यों, क्योंकि 9 और 4 को हमने ऐड किया था तो हमारा कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दें, राइट डाउन कर लीजिए। अगला नंबर क्लास में आते हैं, सिंपल सा है, सेम उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज है, मॉडिफिकेशन कहां पे, उस वृत्त का समीकरण याद करें जब केंद्र हमारा a, मींस जो हमारा h और k का वैल्यू वो सेम कर रखा है और त्रिज्या दिया √2। क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं, ऑलवेज मेथड पर चलना है और सिंपल जिस स्ट्रिक पे चल रहे हैं ट्रिक वो ही उठाना है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, समीकरण ज्ञात करना है, फिर देखेंगे कि केंद्र बिंदु अगर हमको दे रखा है तो नॉर्मल सी बात है हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ कर देंगे केंद्र एच कॉमा के इज इक्वल टू ए कॉमा ए, इट मीन्स एच इज इक्वल टू ए एंड के आल्सो इज इक्वल टू ए। त्रिज्या स्मॉल ए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि एच बराबर है और के बराबर है और स्मॉल ए, तो जो वैल्यू है वो है ए √2। तो चूंकि वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स अपनी जगह रहेगा एच की जगह पर ए प्लस वाई के की जगह पर ए और ए की जगह पे क्या लिख देंगे, करेक्ट, ए √2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay और ए √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू
टू, क्लियर। ये का स्क्वायर ए स्क्वायर और रूट का करेंगे तो टू। सॉल्व करेंगे फिर वही काम, सिंक्रोनाइज करेंगे, सिंपल वे में लाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। अब जो कॉन्स्टेंट है उसको इधर ले आएंगे, दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो। और सिंपल करना चाहे तो टू ए को हम कॉमन ले सकते हैं माइनस के साथ, बाकी क्वेश्चन है यहाँ पे भी सॉल्व हो चुका है हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए, एक्स प्लस वाई जरूरी नहीं कि हम यहाँ तक आए पर दिख रहा था, जो स्टेप दिखेगा उस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम उसी से मिलता, वो थोड़ा सा चेंज है फिर उसको मैं ला रहा हूँ। उस वृत्त का समीकरण याद करिए जब केंद्र हमारा ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा और त्रिज्या हमारा ए है, उसी क्वेश्चन की तरीके से फिर बहुत मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे खुद से। केंद्र एच कॉमा के इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉमा ए साइन अल्फा, सॉरी केंद्र एच कॉमा के इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे एच इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा के इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एंड द रेडियस मीन्स त्रिज्या ए इज इक्वल टू ए दे रखा है, पुट करेंगे सिंस क्योंकि वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे x अपनी जगह रहेगा एच की जगह पर ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पर ए है तो ए स्क्वायर, परफेक्ट। x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स कॉस अल्फा प्लस इसको ओपन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट साइन साइन स्क्वायर, यहाँ पर करेक्ट साइन ही रहेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही कर देंगे, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखा समीकरण, फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए एक्स कॉस अल्फा माइनस टू ए वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक सिस्टम में किया। अब यहाँ देखते क्या है हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह है, यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर सेम है कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर करने अगर सेम है तो कॉमन लेते हुए ए स्क्वायर तो अंदर क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, यहाँ पे क्या सेम कर सकते हैं टू ए माइनस टू ए टोटल कॉमन ले लेते हैं तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन माइनस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर होगा, हम इसी स्टेप को बचाते हैं और इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर सीधे सीधे, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फिनिश होके जीरो हो गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेम था जो अभी तक हम लोग चले एक फॉर्मेट पे है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, तो उसको करते हुए डन।